नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। आज हम यहाँ पर प्रगति मैदान में भारत मंडपम में मौजूद हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि अटल जी को लेकर यहाँ पर ये खास प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि अटल जी का जन्म दिवस है और उसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियाँ की गई। लेकिन इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जगदीश सहगल जी हैं। तो सर, यही सवाल है कि आज का जो ये खास प्रोग्राम रखा गया है, आखिरकार उसका उद्देश्य क्या था? आज का प्रोग्राम जो है बेसिकली अटल जी के जन्मदिन को जन्मदिन के अवसर पर उनकी यादगार में रखा गया है, ताकि जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं हम उससे प्रेरणा लें और उसी क्षेत्र में उस तरह से कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। यहाँ पे अवार्ड्स की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि अवार्ड्स दिए जाएंगे तमाम लोगों को, तो उसकी वजह क्या रही है? देखिए, ऐसा है, जब कोई बड़ा लीडर है और उसने समाज के लिए अच्छा किया है तो हम उसको याद करें, उसको याद करके जब अवार्ड दिए जाते हैं तो लोगों को प्रेरणा मिलती है कि इस आदमी को अवार्ड मिला है, जो इतने काम किया है हम उससे अच्छा काम करने की कोशिश करें। जी, तो आपको भी अवार्ड मिला है उससे, तो मतलब किस तरीके से आप अपना जो फीलिंग्स है वो किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? देखिए, मैं कस्टम्स और GST डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ। रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि जब मैं नौकरी में था तो मैं बहुत एक्टिव था, मुझे काफ़ी काम करना पड़ता था, उसके बाद मैं बिल्कुल खाली हो गया। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, जो मेरी एनर्जी है उसको मैं कैसे चैनलाइज करूं। तो मैंने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम करने की कोशिश की, लेकिन जो भी मैंने किया, जैसे 500 लोगों को हम डेली खाना खिलाते हैं हरिभोज के अंदर, यमुना को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल में बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, तो मेरा उद्देश्य ये कभी नहीं था काम करने का कि मुझे अवार्ड मिलेगा। लेकिन जैसे प्रभु का मंजूर है कि इन लोगों ने मेरे को आइडेंटिफाई किया और मेरे को पुरस्कृत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी ने जो भी सिखाया, जो भी समय उनका रहा और आज भी उन्हें याद किया जाता है, तो आपको लगता है कि आने वाला जो समय है, जो कलयुग क्योंकि लगातार चल रहा है, आपको लगता है कि वो सारी बातें आने वाले समय भी मानी जाएगी, खास करके युवाओं के लिए तो प्रेरणा है अटल जी? देखिए, अटल जी का ऐसा व्यक्तित्व है, अगर हम उसके किसी भी पहलू को देखें, किसी एक पहलू को भी अपना लें आज के युवा, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं और हमारे देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे उनको अजात शत्रु कहा जाता है कि उनका कोई शत्रु नहीं था, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी थी या डिफरेंट तरह के जो भी लोग थे, उनको सभी लोग पसंद करते थे, क्योंकि उनके व्यवहार में था सबका भला करना, सबका अच्छा करना और अपने कंट्री से प्यार करना। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर विपिन गुप्ता जी मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि सर, अवार्ड मिला तो कितनी खुशी हुई, किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है और मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि आज अटल जी समारोह में और मुझे सम्मान के वहाँ पे अपने नवाजा गया है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की और बहुत ही खुशी की बात है। और हम लोग डेयरी इंडस्ट्री में हैं, हम लोग यूपी में और हरियाणा में इंडस्ट्री डेयरी चलाते हैं, जिसके अंदर लगभग 15,000 फार्मर से डायरेक्ट हमारा काम रहते हैं। और यूपी के अंदर में तो अपना योगी साहब ने बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई और नई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आ रही है। सेम पैटर्न के ऊपर हरियाणा के अंदर में भी काफ़ी कुछ वर्किंग हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने करी है और भी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, जिससे कि नई इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी और डेयरी इंडस्ट्री के अंदर में एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तरीके से हर इंडस्ट्री से लगभग 5,000 आदमी की एम्प्लॉयमेंट होती है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है $5 trillion की इकोनॉमी, वो कोई बहुत बड़ा मुझे चैलेंज नहीं लगता, ये तो बहुत जल्दी ही जो अपना माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना, उससे पहले ही ये सपना पूरा होएगा। और जो ऊर्जा और जो विकास और जो ऊर्जा सब बिजनेस वालों को, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलती है, वो काबिले तारीफ है। थैंक यू। तो ये जो अटल जी का जो हमेशा से बातें रही है, उनकी कविताएं रही है, तो क्या लगता है कि उसका जो असर है वो आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा? आपने मोदी जी की भी तारीफ की, उनकी भी बात जनता सुनती है, इन्फ्लुएंसर के तौर पर उनको कहीं ना कहीं देखा जाता है, तो अटल जी की बात को भी आगे तक लोग मानेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा वाली रही है। काफ़ी प्रेरणा वाली बात रही है। अभी हम अंदर हॉल में ही बात कर रहे थे, अंदर हॉल में हम कविताएँ सब गा रहे थे, वाकई में एक अलग ही आनंद और अलग ही ऊर्जा मिलती है अपना, और सिंप्लिसिटी और सादगी मिलती है उसके अंदर में। हमें जो सादगी और जो ऊर्जा है वो बहुत बड़ी बात है उसके अंदर में। हमारे साथ डॉक्टर उर्वशी मित्तल जी मौजूद है, जो चेयरपर्सन है, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन है यहाँ पर इनरव्हील की, तो सीधा सवाल मैम यही करेंगे कि अवार्ड दिया गया है तो अवार्ड मिलने पर जो खुशी हुई, तो किस तरीके से आपने देखा, कोई उम्मीद थी कि अवार्ड मिलेगा, हमारे काम को लेकर सहारा जाएगा, क्या लगा था? देखिए, जब कोई भी अवार्ड मिलता है तो वो रिकॉग्निशन होता है आपके काम का, और एक रीअश्योरेंस होती है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो ठीक है।
तो इनरविल, जैसे कि आपने कहा, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक महिलाओं की सामाजिक संस्था है, लार्जेस्ट वीमेन वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम कहते हैं ना, वी आर ऑफ वीमेन बाय वीमेन फॉर एवरीवन। तो जहाँ पे भी लगता है टू गिव बैक टू सोसाइटी, तो ये मदद की संस्था है। और जब आप मदद को अपना रास्ता चुनते हैं और उसमें आपको रिकॉग्निशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है आज की रेट रेस में, ब्लाइंड रेट रेस में, लोग ये समझते हैं कि जब वो अपने लिए काम करेंगे तभी नाम होगा। तो ये एक अवार्ड उन्हें बताने के, हमें लगता है बहुत बड़ा एक पॉलिश स्टाइल है बताने का, कि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तब भी आपका नाम होता है। हमेशा से देखा गया है कि जो वुमेन्स होती है वो आगे नहीं ज़्यादा बढ़ पाती है, लेकिन अब समय धीरे धीरे करके बदल रहा है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, जब हमारा वीडियो वुमेन्स देखेगी तो एक यानी कि उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है, करियर कैसे बनाना है, तो उसको लेकर क्या कहें हम एग्जैक्टली शायद समझे नहीं जो आपने नहीं बेसिकली जैसे घर पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और आपको अवार्ड मिला है, आप यहाँ पर बता रहे कि रिकॉग्नाइजेशन होता है, तो उस हिसाब से जो वुमेन्स है उनको वो प्रेरणा कैसे मिलेगी कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा साधन है लोगों के पास देख के उसे फॉलो करने का, क्योंकि जो भी मीडिया दिखाता है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग को अफेक्ट करता है और उनकी दुनिया बन जाता है। तो जब ये ज़रूर है कि जब आप सोशल मीडिया, जब आप लोग किसी इवेंट को कवर करते हैं और जिनको अवार्ड मिला है उनको दिखाया जाता है, उनसे क्वेश्चन करे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लेडीज़ घर पर बैठी होती हैं या समाओ थकी हारी, उन्हें लगता है कि हाँ, एक उम्मीद की किरण है। और जैसे कि हमने कहा, इनरविल तो है, अपनी जगह खड़ा है, लेकिन कुएँ के पास प्यासे को चल के आना पड़ता है। तो इस मीडिया के थ्रू लोगों को बताया जा सकता है कि इनर व्हील है, वो आपके साथ जुड़ने को तैयार है और आपकी मदद लेके औरों का भला करने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि अटल जी की जो कविताएं रही है, जो भी बातें उनकी रही है, जो एक्सपीरियंस उनका रहा है, वो आने वाला जो यूथ है स्पेशली, क्योंकि यूथ पे फोकस सरकार भी कर रही है, तो उनके लिए किस तरीके से वो प्रॉफिट वाली चीज़ रहेगी कि ध्यान रहेगा अटल जी की बातों का या नहीं? देखिए, हम बताएं, आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जब भी हम लोग कहीं बोलने जाते हैं तो यू नो, वॉट एवर यू से दैट बिकम्स मोर इम्प्रेसिव, जब आप उसको किसी कपलेट के साथ बोलते हैं। और हमने देखा है कि आप इंग्लिश में कितना ही बोलिए, पर जो दम अपनी मातृभाषा हिंदी में आता है ना, तब आप गूगल पर जाते हैं और आप गूगल करते हैं कि जो भी विषय पे आप बोलने जा रहे हैं उसमें क्या कविताएं आपको जोरदार उसको जोश भर देंगी। तो अटल जी की कविताएं तो जोश भर से भरी होती थी और वो समाज के सभी वर्गों को एड्रेस करती थी। अब ये बंदर से भी सुन के आ रहे हैं कि हम सब ये चाहते हैं कि एक समय ऐसा आए जब अटल जी की कविताएं, जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तुम्हारे पाठ्यक्रम में और बाकी के कवि होते हैं, रामधारी सिंकर जी, मैथिली शरण गुप्त, और हम तो ये पढ़ के ही बड़े हुए हैं, तो एक दिन वो आएगा जब उनकी कविताओं तो सचमुच तब वो हर एक का हिस्सा बन जाएंगी मन का, और उनके माध्यम से भी वो अपनी बात कह पाएंगे। थैंक यू मैम।